हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फिर नया टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ. में एक चीज़ आता है कस्टम्स. ठीक है, कस्टम. तो ये अपन सेकेंड यूनिट डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर में देख रहे हैं कस्टम्स. ठीक है, कस्टम आप सभी को पता है कि हम लोग अपने बोल चाल में इसको हम लोग आमतौर पर बातचीत करते हैं कि कस्टम. ठीक है, कस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? कस्टम रिप्रेजेंट करता है हमारा जो जनरेशन टू जनरेशन प्रैक्टिसेस हैं, या जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों का जो थॉट्स है या वे ऑफ डूइंग है. ठीक है, ये हम लोग या कोई भी रिचुअल्स को परफॉर्म करने का तरीका है, ये हमारे क्या कहता है, कस्टम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जो कि आमतौर पर किसी खास चीज़ों का नॉलेज हो या कई चीज़ों की मान्यताएँ हों, ऐसे सब चीज़ें हमारे कस्टम्स के अंदर में आती हैं. तो अपन देखेंगे कि कस्टम हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है, इंडिया जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा कल्चरल और कस्टम से भरा हुआ देश है. अगर आप हर 300-400 किलोमीटर में अगर आप जाते हैं तो हमारे यहाँ पर लैंग्वेज बदल जाते हैं, बोली बदल जाती है, रहन सहन कपड़े पहनने का तरीका भी लोगों का बदल जाता है. ठीक है, खान पान बदल जाता है. तो ये सब हमारे कस्टम्स के अंदर आता है. उसके अलावा कई प्रकार के कस्टम प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको कि लोग फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या करते कई प्रकार से ऐसे प्रैक्टिसेस को भी हम फॉलो करते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं. ठीक है, और कई प्रकार की ऐसे प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा भी बनाती हैं. तो अपन देखेंगे कस्टम कैसे हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है. कस्टम इट रिफर्स टू अ टोटल लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ऑल देयर आइडियाज़, वैल्यूज़, नॉलेज, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्टिव दैट दे शेयर. ठीक है, तो ये क्या है, टोटल लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, ये हमारा जीने का तरीका है. ठीक है, मैं अगर एक खास कल्चर को बिलोंग करता हूँ तो मेरा लाइफ स्टाइल जो है उस कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, आप केरल जाएंगे तो वहाँ पे लोग मुंड पहनते हैं जो कि एक लुंगी जैसा होता है. ठीक है, अगर आप हमारे एरिया में आएंगे, बस्तर में आएंगे, तो यहाँ पर भी लोग एक तरीके का लुंगी पहनते हैं. ठीक है, तो ये अपने कस्टम को दिखाता है. अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे शादी करने का कस्टम अलग होगा. हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ भी हर एक जगह पे हर एक समाज का अलग अलग कस्टम प्रैक्टिसेस हैं. तो ये हमारा एक तरीके का लाइफस्टाइल है जो कि हम लोग आइडियाज़ के रूप में, वैल्यूज़ के, मान्यताओं के रूप में, नॉलेज के रूप में, नॉलेज जो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को दिया जा रहा है, बिहेवियर जो वे ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, एंड मटेरियल ऑब्जेक्टिव दैट दे शेयर. देन है नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिफर्स टू द पीपल, पीपल्स ट्रेडिशंस, कस्टम, वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड एक्ट ऑफ डूइंग देयर रिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच प्रोवाइड डिज़ाइन ऑफ लिविंग. ठीक है, कई चीज़ें, वही जो है मेन चीज़ है कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कस्टम, हमारी मान्यताएँ, हमारे वैल्यूज, हमारी बिलीव्स और ऐसे सारे रिचुअल्स, मतलब कि ऐसे सारे रीति रिवाज जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी सदियों से या काफ़ी सालों से या कई जनरेशन से. ठीक है, ये कहलाता है हमारा कस्टम. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है और उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या क्या कस्टम के अंतर्गत आता है. ठीक है, पहला चीज़ आता है कस्टम को जो डिटरमाइन करता है, फूड वो वी ईट. ठीक है, फूड वी ईट. ठीक है, जैसे कि ब्राह्मिण्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे मांसाहार का सेवन मना है, तो ये उनके कस्टम को दिखाता है. अगर आप केरल देखेंगे तो वहाँ पर उनका कस्टम में दिखाता है कि वो लोग हर चीज़ में नारियल तेल या नारियल को खाते हैं. ठीक है, तो वो उनके वहाँ का कस्टम को रिप्रेजेंट करता है. हम बस्तर की बात करेंगे तो फूड हमारे यहाँ चापड़ा चटनी बहुत ही चाव से खाया जाता है. ठीक है, तो ये हमारे एक कस्टम को रिप्रेजेंट करता है. क्लोथिंग वी वेयर. ठीक है, मैं आपको जैसे पहले ही बताया था कि हर एक जगह पे हर एक कस्टम्स का क्लोथिंग अलग अलग होता है. इवन कई समय ऐसे पड़ाव आते हैं जिस समय मृत्यु है उस समय का पहनावा अलग है, जन्म के समय का पहनावा अलग है, धार्मिक संस्कार लेते समय का पहनावा अलग है. ठीक है, शादियों का पहनावा अलग है. तो ये सब हमारे कस्टम्स को दिखाते हैं. म्यूज़िक वी लिसन. ठीक है, हमारा म्यूज़िक भी हमारे कस्टम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, हम लोग छत्तीसगढ़ी में पंडवानी सुनते हैं. ठीक है, बस्तर में ढेर सारे यहाँ के ट्राइबल लोक नृत्य हैं, काफ़ी सारे गीत हैं जो कि हमारे कस्टम को बताते हैं. ठीक है, और कस्टम को क्या बताता है, गेम्स वी प्ले. ठीक है,
हम लोग यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, कई प्रकार के ऐसे खेल हैं जो कि हम लोग के ही एरिया में खेले जाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा है, कबड्डी है, ठीक है, और हमारे यहाँ और ऐसे कई गेम हैं जो कि केवल हमारे एरिया में ही खेले जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री की बात करें, वहाँ बास्केटबॉल फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे लोग कबड्डी गिल्ली डंडा ये सब ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कस्टम को दिखाता है। हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है, हम लोगों के लाइफ पड़ाव में कई ऐसे समय आते हैं जबकि हमको सामूहिक तौर पे इमोशन को दिखाना पड़ता है, ठीक है। ख़ास तौर पे जन्म होने पे, छत्तीसगढ़ में परंपरा है, जन्म होने पर क्या है, छठी मनाते हैं, ठीक है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद, ठीक है। किसी की डेथ होती है, ठीक है, राजस्थान में आप एक प्रथा है, आप सुनोगे किसी की डेथ होने पे उनके परिवार के सदस्य रोने के लिए किराए पे किसी को बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं रुदाली, ठीक है। तो उनका काम होता है कि वो लोग वहाँ पर मातम का माहौल बनाते हैं और वो लोग रोते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो मृत्यु होने पे, ख़ास तौर पे अगर हम देखें आदिवासी हमारी परंपरा में, तो देखा जाए तो मृत्यु होने पे किसी की शोक गीत गाया जाता है ना। तो ये हमारे कस्टम को दिखाता है। देन नेक्स्ट इज है व्हाट इज़ गुड और बैड, ठीक है, हमारा कस्टम ये भी बताता है कि क्या चीज़ हमारे कस्टम के हिसाब से सही है और क्या चीज़ हमारे कस्टम के हिसाब से गलत है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, किसी कस्टम में ऐसा है कि किसी चीज़ को गलत बताया गया तो दूसरे कस्टम में उसी चीज़ को अच्छा भी बताया गया। जैसे कि ब्राह्मण्स में अगर देखा जाए, ब्राह्मण्स में उन लोगों में मांसाहार को गलत बताया गया, ठीक है, लेकिन कई अगर हम लोग ट्राइबल कल्चर देखते हैं तो वहाँ पर मांसाहार से ही हर एक फेस्टिवल को चालू किया जाता है, ठीक है। कई ऐसे कस्टम है जिसमें कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन को गलत बताया गया है, तो कई प्रकार के ऐसे समारोह हैं जिसमें कि मदिरा पान पूरे समुदाय में आम बात है। तो कस्टम हमारा जो कस्टम है वो हमारे कई चीज़ों से दिखता है, हमारे खाने से दिखता है, हमारे कपड़े से दिखता है, हमारे संगीत से दिखता है, हमारे खेल से दिखता है, हमारे इमोशन को आगे एक्सप्रेस करने के तरीके से दिखता है और हमारी मान्यताओं पर दिखता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कस्टमर क्या क्या चीज़ों को डिटरमाइन करता है। देन हमारा मेन जो चीज़ है वो ये है कस्टम एंड हेल्थ, ठीक है, हमारा कस्टम हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। देयर आर वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग बाय कम्युनिटी विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ, ठीक है, ऐसे ढेर सारे प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो हमको बुरा प्रभाव देता हो, पर हमारे हेल्थ को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बुरा, कभी कभी अच्छा भी, ठीक है। एग्जांपल है, पहला है मैरिज सिस्टम, ठीक है, इंडिया में बहुत पुरानी प्रथा रही है बाल विवाह की प्रथा, ठीक है। तो बाल विवाह की प्रथा जो है वो बहुत ही गलत कस्टम प्रैक्टिस है जो कि कई समाज में अपनाया जाता है, लेकिन अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ख़राब है, ठीक है, क्योंकि उस समय पर जो बच्ची होती है वो फिज़िकली और मेंटली तौर पर तैयार नहीं होती है कि वो एक शादी करके जाए, उतनी मैच्योर नहीं होती है हर एक लेवल पर कि वो शादी करके जाए और अपना परिवार चलाए, बच्चे पैदा करे, ठीक है। तो इसके कारण से चाइल्ड मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी और वुमेन का स्टेटस काफ़ी गिर जाता है, उसका एजुकेशन छूट जाता है, उसका करियर छूट जाता है, ठीक है, वो काफ़ी अपने फैमिली में दब के रहने लगती है, ठीक है। तो ये ऐसा कस्टम प्रैक्टिस है जो कि हमारे हेल्थ को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है रिचुअल रिलेटेड विथ बर्थ एंड प्रेगनेंसी। रिचुअल मतलब रीति रिवाज, संस्कार जो होते हैं, ठीक है, कई बार हम लोग जन्म लेने के बाद, ठीक है, और प्रेगनेंसी के समय कई प्रकार के मान्यताएं हैं कि ये प्रेगनेंसी के समय ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाने से एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, ख़ासतौर पे पपाया खाने से एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडी को कई लोग हैवी वर्क कराने बोलते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है। तो हैवी वर्क नहीं, वर्कआउट किया जाता है लेकिन मॉडरेट लेवल पर किया जाता है। बर्थ से रिलेटेड भी ढेर सारे कस्टम्स हैं, जैसे कि अगर बच्चा पैदा होता है तुरंत, ठीक है, तो मान्यता ये है कि जो मदर्स मिल्क है, पहला कोलेस्ट्रम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं होता, गाढ़ा होता है, जबकि साइंस कहती है कि कोलेस्ट्रम जो है, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्यून सब्सटेंस होते हैं जो कि मदर के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। देन थर्ड चीज़ है फूड बिहेवियर एंड रेस्ट्रिक्शंस।
कई सारे कस्टम में फूड बिहेवियर अलग अलग हैं, कहीं पर मांसाहार मना है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर कई लंबे समय तक फास्ट रहने के लिए बोला जाता है, तो कई जगह पे जैसे कि 40 दिन का रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ सुबेरे खाते हैं, शाम को खाते हैं, क्रिश्चियंस भी रखते हैं, हिंदूज भी रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पे कई सारे फूड का रिस्ट्रिक्शंस भी रहता है उनको, ठीक है। या हम लोग देखते हैं कि जब किसी प्रकार का वुंड हो जाता है तो हम लोगों को बोलते हैं कि खट्टा चीज़ नहीं खाना, वो जो वुंड है वो क्या हो जाएगा, पस आ जाएगा, उसमें पक जाएगा बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग मेडिकली देखा जाए तो डॉक्टर क्या करता है, विटामिन सी प्रिस्क्राइब करता है जो कि सभी खट्टे चीज़ों फलों में मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन जो कि हमारे कस्टम में होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फोर्थ है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कई जगह पे कई तरीके की मान्यताएं हैं। सबसे उसमें कॉमन है कि पहला मिल्क जो है मदर को नहीं देना है क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है, पीले कलर का होता है और वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, जबकि साइंस कहती है कि ये पूरी तरीके से सेफ है बच्चे के लिए और इसमें बहुत सारे इम्यून बच्चे के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ चीज़ है इनटेक ऑफ अल्कोहल इन मैनी कम्युनिटी इवेंट्स, ठीक है। कई कस्टम में क्या है, कोई भी शादी पार्टी, छठी या कोई भी मृत्यु हुआ या किसी प्रकार का भोजन हुआ तो उसका शुरुआत क्या होगा, पूरी कम्युनिटी बैठ के शादी शराब पीती है, ठीक है। और अगर आप अपने बस्तर में बात करें तो देखिएगा यहाँ पर चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, चाहे शादी हो, हर एक जो समुदाय है उसमें शराब को काफ़ी अहमियत दिया गया है, ठीक है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कई कम्युनिटी इवेंट में क्या करते हैं, उन लोग अफीम खाते हैं, ठीक है। और अगर अपन यूपी बिहार में देखें तो कई जगह पे भांग का सेवन भी किया जाता है कई इवेंट में, जैसे खास तौर पे होली के समय पे, ठीक है। देन है सिक्स्थ वन इज स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। कई कस्टम में देखा गया है कि वुमेन का स्टेटस को रीति रिवाज के तौर पर या रिलीजियस तौर पर क्या किया गया, बहुत ही नीचे रखा गया है, जिसके कारण से वुमेन्स का जो स्टेटस है वो समाज में या परिवार में काफ़ी नीचे रहता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कस्टम प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ऐसे कस्टम प्रैक्टिसेस में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कस्टम प्रैक्टिसेस में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल ये होना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ असेस करे इंडिविजुअल को, फैमिली को और उसकी कम्युनिटी को कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कस्टम प्रैक्टिसेस अपनाए जा रहे हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, और उसको वो आइडेंटिफाई करे और अपने कम्युनिटी को एजुकेट करे, अवेयर करे कि लोग ऐसे तरीके के एजुकेशन कस्टम प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं जो कि उनके हेल्थ को बुरी तरीके से प्रभावित करते हों। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज का टॉपिक जो कस्टम है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।